बिहार में कोचिंग संस्थानों पर नकेल के लिए जल्द लागू होगी नियमावली। बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाना अपराध माना जाएगा। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार सरकार राज्य भर में संचालित कोचिंग संस्थानों की नकेल कसेगी। इन संस्थानों को संचालन के लिए हर हाल में राज्य सरकार से निबंधन कराना होगा। तय मानक के अनुरूप सुविधाएं देनी होगी। साथ ही तमाम कोर्सों के लिए योग्य शिक्षकों की टीम, जरूरी आधारभूत संरचनाएं रखनी होगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को निबंधन आवेदन के समय ही संचालित कोर्सों के लिए शुल्क की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। राज्य में निजी कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 लागू है। राज्य मंत्रिमंडल, विधानमंडल के दोनों सदनों और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम 28 अप्रैल 2010 को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ तथा तभी से लागू है। लेकिन अब तक इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली नहीं बनी थी। अधिनियम बनने के 12 साल बाद अब इसकी कवायद तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 प्रारूप बना लिया है। इसे विभागीय वेबसाइट state.bihar.in/education-bihar पर प्रकाशित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी नियमावली प्रारूप को लेकर सभी हितधारकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने आम सूचना जारी करते हुए 31 मई तक सुझाव मांगे हैं। कोई भी अपना सुझाव निदेशक माध्यमिक के ईमेल आईडी directors.edu@gmail.com पर दे सकते हैं। तो ये प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के लिए बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि अब उनको मानक के अनुसार ही चलना होगा। आपको बता दें कि नियमावली लागू होने के 30 दिनों के अंदर सभी कोचिंग को करना होगा आवेदन। बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 लागू होने के 30 दिनों के अंदर पूर्व से चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों को निर्धारित प्रारूप में निबंधन के लिए पंजीकृत समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। 5,000 का निबंधन शुल्क, जबकि नवीनीकरण शुल्क 3,000 है। आवेदन के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि, शिक्षण फीस, भौतिक संरचना की जानकारी देनी होगी। वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र 1 वर्ग फीट होगा। शिक्षकों का बायोडाटा भी देना होगा। न्यूनतम स्नातक योग्यताधारी या सेवानिवृत्त शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे। प्रस्तावित नियमावली के मुताबिक बिना निबंधन या उसके नवीनीकरण कोचिंग चलाना अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अधिनियम की विशिष्टताओं या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन नियमावली के मुताबिक अपराध होगा। नियमावली अथवा अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन पर प्रथम अपराध के लिए 25,000, द्वितीय अपराध के लिए 1,00,000 और बाद कारण परीक्षा और सुनवाई के अवसर देकर निबंधन रद्द किया जाएगा। 4 सदस्यीय कमेटी लेगी निबंधन पर निर्णय। आपको बता दें कि SDO करेंगे स्थल का जाँच और इन तमाम नियमावली लागू होने के 15 दिनों के अंदर पंजीकरण समिति का गठन सभी DM करेंगे। इसमें खुद DM, SP, DO और एक अंगीभूत कॉलेज के प्रचार्ज होंगे। DM को नियमावली गठन के 15 दिनों के अंदर जांच कमेटी भी बनानी है। जांच DM या SDM स्तर से नीचे का अफसर नहीं करेंगे। नियमावली में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शिकायत, सुनवाई और अपील के प्रावधान तथा इनके शुल्क भी तय होंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में अब कोचिंग संस्थान पर धीरे धीरे नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई है। जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह हर गली चौक चौराहे पर कोचिंग संचालन होना शुरू हो गया है, जिसमें ना तो सुविधा है और ना ही बच्चों को बैठने के लिए सफिशियंट सीट अवेलेबल होते हैं। इसके बावजूद भी ये कोचिंग संस्थाएँ चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ फीस की बात करें तो इनकी जो शुल्क है वो भी मन मुताबिक चल रहा है। ऐसे नियमावली बन जाने से इन कोचिंग संचालकों पर नकेल कसेगी और वो एक मानक के अनुरूप शुल्क ले पाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 9 के साथ। नमस्कार।